नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर शनिवार को मैथन स्थित डीवीसी कैंप हाउस में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार की अध्यक्षता में दो राज्यों के पुलिस प्रशासन की एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में बोकारो डीसी, धनबाद डीसी, बोकारो रेंज के डीआईजी, धनबाद एसएसपी के साथ दोनों राज्यों के अधिकारी उपस्थित होकर चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने का निर्णय लिए। आयुक्त पवन कुमार ने बंगाल के सभी पुलिस पदाधिकारी को शक्ति के साथ बॉर्डर सीलिंग के साथ साथ सघन जांच अभियान चलाने की बात कही, साथ ही हार्ड कोर क्रिमिनल पर नकेल कसने की बात कही। पवन कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्य के 20 इंटर स्टेट चेक पोस्ट बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल से सटे जितने भी बॉर्डर हैं, अपने अपने क्षेत्र में मिरर चेक पोस्ट बनाने का काम करें, किसी भी तरह के इनफिल्ट्रेशन को रोका जा सके। सभी होटल में सघन जांच अभियान चलाया जाए और देखा जाए कि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री ना हो सके। दोषी पाए जाने पर उन पर अविलंब कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर 100% तैयारी की जा चुकी है। जो झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 होने जा रहा है, तो हमारे बोकारो, धनबाद और रामगढ़ तीन जिलों की सीमाएं जो है वो वेस्ट बंगाल से टच करती है, आसनसोल एंड पुरुलिया। तो ये इंटरस्टेट बॉर्डर सीलिंग की मीटिंग आज बुलाई गई थी, जिसमें सबको निर्देश दिया गया है कि पूरे इलेक्शन पीरियड में और खासकर जिस दिन हमारी पोलिंग एक्टिविटी रहती है, हम लोग मैक्सिममली सैनिटाइज कैसे कर सकें, इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकें, इलीगल जो भी ट्रेड्स या आर्म्स हो या लीकर हो या उसको कैसे कंट्रोल कर सकें, इस संबंध में सबको निर्देश दिया गया है। 100% तैयारी है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, और इन्हीं तैयारियों के अंतर्गत ही आज की यह मीटिंग आहूत की। सारे ऑफिसर पश्चिम बंगाल के आए हुए हैं, तो जो डिसीजन आज हुआ है सर्वसम्मति से हुआ है, उसमें पश्चिम बंगाल नेबरिंग स्टेट के का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। आज की बैठक में पहले है कि जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं बॉर्डर एरिया पे, उसके लिस्ट को शेयर किया गया है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्टेट के क्षेत्र में सारे ऑफिसर उसको 100% सैनिटाइज करेंगे। चेक पोस्ट हम लोगों ने जो बना रखा है झारखंड राज्य में, जितने हम लोगों ने 20 चेक पोस्ट बनाए हैं जो इंट्रा स्टेट है, तो 20 मिरर चेक पोस्ट बनाने के लिए बंगाल को मिरर चेक पोस्ट हुआ कि वो अपने एरिया में एक मिरर चेक पोस्ट बनाए, ताकि अगर हमारे यहाँ से कुछ छूट जाते हैं तो वो मिरर चेक पोस्ट में उनको ट्रेस कर लिया जा सके। तो मिरर चेक पोस्ट बनाए जाने का हुआ निर्णय लिया गया। होटल्स हैं, ढाबा है, उन पर सघन निगरानी, सघन उनकी जांच, ताकि वहां से कोई इलिसिट लीकर या किसी चीज का अवैध कारोबार नहीं हो। सर, कुंडी जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उससे कैसे निपटे हैं, क्या तैयारी? नहीं, सारी तैयारियां की हुई है। हमारे पर्याप्त संख्या में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमारे डीएपी भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी आ रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने डिमाइनिंग का काम भी आरंभ कर दिया है, तो हमारी पूरी तैयारी है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव।